हजरत अली ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा इकराम अली रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों, हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता। तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूंगा, तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारका में गया तो इन्होंने मुझे तैयार यार थे ना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया, हुजूर ने पूछा अली कैसे आए हो, तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो, फातिमा के लिए आए हो। हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है, मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का, तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत जैद बिन हारिसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख, परहेजगारी देख, दीनदारी देख, उस शख्स को बेटी दी जो असाबिकून असाबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइकुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा तज़्ज़ारा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए, मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा। हजरत अली ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा इकराम अली रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों, हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता। तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूंगा, तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार यार थे ना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया, हुजूर ने पूछा अली कैसे आए हो, तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो, फातिमा के लिए आए हो। हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है, मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का, तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत जैद बिन हारिसा के मकान, कोई मकान नहीं। वो भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख, परहेजगारी देख, दीनदारी देख, उस शख्स को बेटी दी जो असाबिकून असाबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइकुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा तज़्ज़ारा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए, मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा।
लाइटिंग लग रही है, इस लाइटिंग पे 5.5 लाख का खर्चा, ठीक है, ये 5.5 लाख का खर्चा। मैं तो पहले भी गलत कहता था, अब
कराते होते थे, नाकामी कराते थे, डॉक्टर का उस टाइम बताते थे जब तुम लोगों ने कभी कमाना से अब नहीं करा। मेरा यूट्यूब पे ना निकाली मेरा फोन उस टाइम मैं ठीक है, लेकिन अब रात में मतलब फोन चलाते इसके नाम में इतना हम मुझे नहीं आता, बड़े से बड़ा बंदर अदब से बैठ गए ना उठता है यार बाकी बना मार बातें करता है। हमारे कल साफ हो जाए।
हर रमजान सब करना है।
ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਾਈਨ ਦਾ ਆਇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਐਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕੈਪਰ ਦਾ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕੈਪਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋ ਬੰਨੀ ਬਾਰੇ
माशी हालत अश्मीर शाह, ये 9.5 करोड़ नहीं है, ये तकरीबन 12 करोड़ है। हमारे मुल्क की आधी आबादी गुर्बत से नीचे है। तुम कारा खाना पीना मुतासर हो गया ना, तुम चीज़ लेते वक्त सोचते हो खर्चा 150 भी खर्च रहे हो, बहुत सोच ये क्या कह रहे हैं यार, एक ब्लैक वीडियो बना रहा है उसके लिए वॉश टाइम पूरा करने के लिए। हाँ खरीदेगा वॉश टाइम? नहीं नहीं, फिर मैं एक बंदे ने मुझे एक तरीका बताया, उससे ट्राई मारनी है, पर हो गया ना। कैसा तरीका है चवल यार? वो जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें वो बता रहे थे कि कोई वेबसाइट है, तो मैं ये जरा वीडियो बना के ना जाकर वो वेबसाइट देखता हूँ कैसी है। वेबसाइट पर डालेगा ये वीडियो, उससे क्या होगा? कहते हैं उससे वॉश टाइम पूरा हो जाएगा, देखते हैं। केड़ी वेबसाइट है? 10 वेबसाइट का नाम टिकटॉक भी मैंने देखी थी, वीडियो बताऊंगा मैं आपको ही बताऊंगा। पहले बहुत बुरे हालात हो गए हैं जो, आप तो 10 रुपये की चीज़ भी लेने से पहले ना सोचना पड़ता है ले ना ले। डॉलर नीचे आ रहा है, महंगी चीज़ें महंगी होती जा रही है। नई चीज़ ली क्या बैंक से? डॉलर नीचे आया, पेट्रोल महंगा हुआ है तुम्हारा ना। पेट्रोल अभी सस्ता कह रहे हैं, उसका हो जाएगा बाकी देखते हैं। कितना सस्ता कह रहे हैं? चाय पीनी थी मैं, रश ही लग गया। मैं क्या मंगाऊँ चाय? एक कप चैनक जो मंगा ना मलक, तो मैं आज चुस्की लाई हैं। एक कप चैनक जो मंगा ना, ये खराब नसीब की नहीं जानो, उन सबको पैसे नहीं है, वो भी खर्च पीना पूरा तो यार। बाकी मुदस्सर भाई वाली बात है, पहन जो आप 10 रुपये भी सोच खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है यार। मैं सिर्फ तो जान छुड़ाना है मेरा ना, टिक टिक मेरे ना पता की मैं कहना है पार्टी नहीं लोगे। उस तो बाद रेट
अगर रेट कट दिता वे तो फिर मंगा लाँगे, नहीं कट दिता तो नहीं मंगा लाँगे। भैया रेट देने दे आवे तो चल ना, नहीं मंगा लाँगे। अच्छी ठेका लिता कि इंपोर्टेड बेचना ही बेचना। अच्छा आईएड में किराए कम है यार। पिछली बार भी ऐसे इंपोर्टेड मंगाया थी तो बकास था नहीं, इसको पिछली बार भी इंपोर्टेड मंगाया थी सारा और सेल्फ वाला थी अनुमान को लिता थी। अब उसने आईएड मरकज में दुकान बनाई है अपनी, जाऊंगा देखने कैसे। कितना किराया कहता है? इधर था 1,70,000 रुपये, उधर तो फिर कम ही होगा यार, 1,00,000 रुपये तक होगा। इंडी में पैंट शर्ट का रुझान कम हो गया काफ़ी, आईएड में अच्छा काम है यार, ब्रांड्स लोग जाना शुरू हो गए ना, रुझान ही नहीं है कारोबार का किसी जगह भी। यार बता तो रहा हूँ मेल ही नहीं आ रही बहन जो कंपनियों में, लड़के परेशान बैठे हैं। हालात बड़े अजीब हो गए यार मेरे दिमाग के। कल हमने बैठ के इतने बंदों को कॉलें की बाहर के मुल्क में, मैंने और कमरान के दोस्त ने बैठ के मोबाइल उठाया, फैन जो जितने जानने वाले थे सबको कॉलें खड़काई, फैन जो वीज़े कर गए। तो पाकिस्तान में तो हालात ख़राब हुए ही हुए हैं ना, पाकिस्तानियों के लिए बाहर भी हालात ख़राब हो गए हैं, बैचों बाहर कोई बुलाना ही नहीं चाहता हमें अब। देखो ना ये मैं ऐड ही देख रहा था, टैक्सी ड्राइवर का ऐड लगा होना चाहिए। शारजा में ना, शारजा में टैक्सी चलाने का नहीं फायदा, शारजा में कम सवारी होती है, रूट मिलता है सिर्फ एक, शारजा में ही चला सकोगे तुम, यूएई नहीं आ सकोगे, वजह बस शारजा टैक्सी शारजा में ही चलती है। वजह ये क्या बात है, तो तुम अपना रिवर्ट नहीं करवा सकते लाइसेंस? लाइसेंस तो पूरे यूएई का होता है, लेकिन कंपनी में आ जाएगा, तो कंपनी टैक्सी ड्राइवर जो यूएई शारजा की कंपनी है वो शारजा में, होटल वगैरह की होगी फिर? नहीं नहीं, हर हर सिटी की अपनी टैक्सी है। अगर वो दुबई से शारजा जाएगी ना टैक्सी हैं, तो फेयर ज़्यादा बनता है, तो लोग यूज़ ही नहीं करते थे। अब देखो बंदे ज़्यादा नहीं चाहिए सारों को, ये देखो फ़ोन करना उन यारा, फ़ोन आए ही नहीं थे बाबा। ये देखो शेख साहब 50 बंदे, 50 बंदे, 20 बंदे, यार छोड़ अल्लाह इस पर 2 बज गए ने, बात रोटी खा के पी लेंगे इकट्ठे चाहे। 20 बंदे, 10 बंदे, पहले होता था ला तादाद इंटरव्यू चाह रहे हैं, अब वो बाकायदा मैंशन कर रहे हैं कि भाई 50 बंदा ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, 10 बंदे ज़्यादा नहीं चाहिए। जात 1,000 भी जाग देना इंटरव्यू देने से, लेकिन वो पहले मेंशन कर दें कि बंदा इतना ही सिलेक्ट होगा बस, पहले ये नहीं होता, पहले अनलिमिटेड पे जो सिलेक्शन होती थी। ये देखो 10 बंदे, 10 बंदे, ये कितने हैं जी 5 बंदे, और क्या 5 बंदे, रोमानिया, वो रोमानिया का वीज़ा आए हैं, स्टील फिक्सर, मैसन, कारपेंटर, टाइल फिक्सर,
700 यूरो, ये कम से कम बहन जो 10-15 लाख रुपए सामने जा रहे हैं। चलो 500 एकड़ राजी वागुजार कराने की दरख्वास्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी में बहुत ज़मीन है यार, गवर्नमेंट की ज़मीन है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की नहीं। अंडा तो उसी की आती है ना वो, जो क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बेसिकली गवर्नमेंट की है ना, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो बहुत कायद आज़म यूनिवर्सिटी अलॉट कायद आज़म यूनिवर्सिटी को दी गई है, उनका बहुत ज़मीन है इनके पास, इतनी ज़मीन है मतलब खोना कुछ फ़ायदा नहीं है, लास्ट टाइम नहीं पड़ेगा। यूट्यूब बड़ी कुत्ते की बच्ची है यार, मेरे तो नहीं सकते अपना ना वेरीफाई अकाउंट कर लो, उसमें तेरी जो उनसे पोस्टें ज़्यादा शो होने लग जाएंगे। वो जो है मैं करवा देता हूँ तुझसे, आसान है। कैसे? इसको रोकना, पास करना। पास करूँगा बंद हो जाएगी, पास करेगी किधर बंद हो जाएगी, उससे ज़्यादा स्टार्ट होगी। डॉलर की पेशपाई जारी, चवल इसको एडिट करके बैठ बड़ा पूरा घंटे का क्लिप बना ली ना यार, ना कुछ इसको स्टॉप कर, मैं तुझे बताता हूँ कैसे बने। यार मेरी कमर शदीद दर्द है, उसके सामने भी
फिर मैं 3-4 दिन तो कह रहा मेरी कमर बड़ी शरीर दर्द है, ज़्यादा टाइम हो गया। किसे छुड़ाई थी? हाँ कान फिर इन्होंने गाली दी, उसने भी गाली दे दी, गाली दी तो ये तमाशा बन गया। ठीक है वो तो वैसे ही कहता, कहता पठान पठान होते ही ऐसे, क्योंकि वो तो कहता पठान होते ही ऐसे। एक दफा याद है शेख साहब उसे एक ही कहो याद है, मैं एक दफा गज मारने लगा था इधर खड़ा था, मैं उधर से गज उठाया तेरी ऐसी सेट हो गया। वैसे बंदा सेट हो अपनी चीज बेचता है या रखता है? रखता है ना, चीज बेचता। क्या चीज बेचते? यार मुझे समझ नहीं आ रही नहीं, किसने मशवरा दिया ये कहाँ से गंदा पानी लाना चाहते हैं ये? हैं यार अब देखो ईदगाह तक पहुंच गया ये, और वो जो कटर है उससे भी आगे तक मार दिया इन्होंने, या अगर असगर मार का पानी लेके आना इन्होंने तक। पर पैसा जरूरी ना कहीं से आ रहा होगा, मतलब चला